शिवपुरी शहर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बच्चों को श्री कृष्ण के जीवन की प्रेरणादायी कहानी सुनाकर सीख लेने के लिए कहा। स्कूली छात्र छात्राओं ने श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया, सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति दी। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। और हम सबको मालूम है, जब कम समय में हम प्रस्तुतियां करते हैं तो हम लोगों को एक डर लगा रहता है, वो डर भी कहीं ना कहीं दिख रहा था, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा आप लोगों की प्रस्तुतियां और जो आपका पहनावा था वो लग रहा था। विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से भी ये बताने का प्रयत्न किया कि जब जब भी पूरे विश्व में आतंक या अन्याय का प्रादुर्भाव हुआ है, राक्षसी शक्तियां ताकतवर बनी हैं, उनका नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने बार बार जन्म लिया। इससे ज्यादा जो बच्चों जिनके कार्यक्रम हम लोग बिल्कुल जो कहते हैं ना कि बहुत ही रैप्ट अटेंशन जो जानते हैं कि बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, बहुत अच्छा किया आपने। तो सबसे पहले एक बार आप अपने लिए तो तालियां बच्चों के लिए हो। मैं ये कहना चाहूंगा सर कि केवल 2 दिन पहले मैंने प्रिंसिपल साहब को, विवेक श्रीवास्तव जी को मैंने कहा था एक कार्यक्रम करिए उत्कृष्ट में। उत्कृष्ट तो हमेशा उत्कृष्ट ही रहता। आप सभी ने अपनी इस बहुत ही कम समय में 48 घंटा, बहुत इससे ज्यादा कम क्या होगा, आपने इतना अच्छा सब कुछ किया जो अभी मैडम बता भी नहीं थी कि हमें समय नहीं मिला, ना कोरियोग्राफर थे ना कहीं कुछ थे, बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।